विश्व अर्थराइटिस डे पर अर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ लखनऊ वॉक, साइकिलिंग एवं जुम्बा का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार हरी झंडी दिखाएंगे। अर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ लखनऊ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर संदीप कपूर ने बताया कि विश्व अर्थराइटिस डे पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर संदीप कपूर ने कहा कि गठिया के मरीज का सही समय पर इलाज जरूरी है, उसको नजरअंदाज किया तो गंभीर बीमारी का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम के काम करने वाले लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत देखी गई है। घर पर काम करने से शरीर को जरूरत के मुताबिक मूवमेंट कम मिलता है, वो कसरत या पैदल नहीं चलते। साथ ही अत्यधिक खाने और संतुलित भोजन से शरीर पर वजन पड़ता है और वही नुकसान करता है। नहीं, वर्क फ्रॉम होम में चूंकि अगर आदमी काम पे जाता है तो उसका एक कंट्रोल्ड पोस्चर होता है, वो कुर्सी पे बैठेगा, मेज पे बैठ करके लिखेगा और एक्टिविटी रहेगी, वो चलेगा, मसल एक्टिविटी होगी, जॉइंट की एक्टिविटी होगी, दूसरा मेंटली फिट रहेगा कि वहाँ वो काम पे जा रहा है। घर पे आप किसी भी बिस्तर पे लेट करके काम कर रहे हैं, लैपटॉप को आपने कहीं रख दिया, पेट के बल लेट करके काम कर रहे हैं, ठीक से पोस्चर्स को अगर नहीं फॉलो करेंगे सो नेचुरल सी बात है कि जॉइंट स्टिफनेस, जोड़ों की स्टिफनेस होगी, गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बैक से रिलेटेड होगी। टेढ़ा मेढ़ा तकिया लगा रखा है, टीवी साथ में चल रहा है, काम भी साथ में कर रहे हैं, तो वो एक पॉस्चर का शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वर्क फ्रॉम होम में इसे जॉइंट रिलेटेड और बैक और नेक से रिलेटेड इश्यूज। वहीं डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया कि पैदल चलना, साइकिल चलाना बड़ा अभ्यास है जो रोगों से दूर रखता है। हम लोग हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं और इस दिन हम लोग का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जिससे हम आर्थराइटिस को बचा भी सकते हैं और अगर हो गई है तो उसके होने वाले बॉडी के असर पे हम कमी ला सकते हैं। जो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है उसकी दवा की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है और जो नहीं कर रहा उसको दवा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इसका सिंपल उदाहरण ये कि जब मरीज सो के उठता है तो बॉडी एकदम जकड़ी हुई होती है इसकी, क्योंकि रात भर रेस्ट पे होती है, तो रेस्ट से आर्थराइटिस में जकड़न बढ़ती है, दर्द बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से, शरीर को चलाने से, हिलाने डुलाने से शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन चलाते चलाते काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज का जो का महत्व है आर्थराइटिस में, इसी चीज को हम लोग सबको बताना चाहते हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।